नमस्कार, स्वागत है आपका अस्वार एक्सप्रेस। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रायपुर में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया है कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें कृषि ऋण माफ करने का निर्णय भी लिया गया है। नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट 1175 करोड़ का लोन बकाया था, इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय भी लिया गया है। इसमें 50% राशि सरकार की ओर से दे होगी। इस संदर्भ में बैंकों की चर्चा भी शुरुआत में हो चुकी है। मोहम्मद अकबर ने कहा है कि सभी परिवार को राशन कार्ड के दायरे में लाना है। 1 रुपए किलो के अनुसार करीब गरीब परिवारों को और अन्य परिवारों को 10 रुपए किलो चावल, 5 लोगों से अधिक सदस्यों को पर हेड 7 किलो चावल यहाँ दिया जाएगा। सभी 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड दिया जाएगा। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अटल नगर विकास प्राधिकरण और अटल नगर स्मार्ट सिटी लिंक के नाम से सामने नवा रायपुर जोड़ा जाएगा और विद्यालयों के शुल्क के निर्धारण के लिए समिति का गठन भी किया जाएगा। रविन्द्र चौबे ने बताया है कि सरकार एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अब 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत लाभ देने का फैसला भी सरकार ने लिया है। बनाने के नाम से उनका राशन रोका नहीं जाएगा। जैसे जैसे नया बनते जाएगा तो जब तक नया बने तक पुराने से मिलता रहेगा और जिस दिन नया बन जाएगा तो पुराने से वितरण समाप्त होगा। और इसका नया राशन कार्ड बनाने के बाद एक समय सीमा निर्धारित करके और इसकी प्रक्रिया को पूरा प्रारंभ करने के लिए कहा गया। एक व्यक्ति का परिवार 10 किलो चावल, 2 व्यक्ति का परिवार 20 किलो चावल, 3 व्यक्ति और उससे ऊपर का परिवार उसको 35 किलो चावल और 5 से अधिक यदि हो जाते हैं तो पर हेड हर व्यक्ति के पीछे 67 किलो वो बढ़ता जाएगा। और नए राशन कार्ड बनेंगे सभी बन